नमस्कार, आप देख रहे हैं जिम न्यूज और मैं हूँ आपके साथ स्मृति से। आइए बढ़ते आज की खबर की ओर। गाजियाबाद की झुग्गियों में आज दोपहर भीषण आग लग गई। ये झुग्गियां इंदिरापुरम थाने के इलाके में आती है। इस झुग्गी बस्ती के पास ये गौशाला भी है। हिडन नदी के किनारे की झुग्गियों में लगी इस भीषण आग में 100 से ज्यादा गाय जल गई है। गाजियाबाद के झुग्गियों के किनारे कूड़ा कचरा पड़ा रहता था, यहाँ एक छोटी सी लपट बढ़ते बढ़ते भीषण आग में बदल गई। इसने पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। इस दौरान तेज धमाका हुआ। माना जा रहा है कि यह धमाका सिलेंडर के फटने से हुआ है। धमाके से लोगों के बीच दहशत बनी हुई है। वहीं सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। आग इतनी तेज थी कि इसने पीछे बनी गौशाला को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहां कई गायें बंधी थी। श्री कृष्णा गौ सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, कबाड़ में आग लगने के कारण 100 से ज्यादा गायों की जलकर मृत्यु हो गई है। धुएं के कारण आसपास की बिल्डिंग को भी खाली कराया गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। पुलिस प्रशासन भी घटना की सूचना पर मौके पर पहुंच चुका है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, मगर माना जा रहा है कि कूड़े के ढेर में चिंगारी लगने की वजह से आग लगी थी। वहीं गाजियाबाद की घटना पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज।